दोस्तों टोयोटा का पिकअप ट्रक टोयोटा हाइलक्स इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुका है और कंपनी इस कार को जिस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च किया है वो काफी शॉकिंग वाला है, क्योंकि ये कार कहीं ना कहीं बहुत ओवर प्राइस लॉन्च हुआ है। बहुत सारे लोग इस पिकअप ट्रक को इसुजु डी मैक्स के साथ कंपेयर कर रहे थे, लेकिन जब प्राइस पॉइंट के बारे में बात करें तो दोनों के बीच कंपटीशन नहीं बनता, क्योंकि इसुजु डी मैक्स बहुत ही कम कीमत में अवेलेबल है इंडियन मार्केट में, जबकि जो ये टोयोटा हाइलक्स है ये कंपनी कॉन्फिडेंट होकर और भी बहुत ज्यादा ओवर प्राइस लॉन्च करा है, इसीलिए दोनों के प्राइस गैप बहुत ज्यादा है, इसीलिए दोनों के बीच कॉम्पिटिशन बनता भी नहीं है। अगर आप लोग इन दोनों ही गाड़ियों के कंपैरिजन वीडियोस देखना चाहते हो तो एक दो दिन वेट करो, मैं आप लोगों को अगले वीडियो में कंपेयर करके बताने वाला हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टोयोटा हाइलक्स जो पिकअप ट्रक है इसमें किस इंजन का इस्तेमाल किया गया है, कौन कौन सा वेरियंट आपको देखने को मिलेगा, क्या फीचर्स इसमें रहने वाले हैं, क्या सेफ्टी फीचर इसमें होगा, कलर ऑप्शन क्या क्या होगा, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर इंजन ऑप्शन की बात करें तो हाइलक्स में आपको सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि होगा 2755 सीसी का फोर सिलेंडर इनलाइन डीजल इंजन जो जेनरेट करता है 201 bhp और 420 Nm टॉर्क। 420 Nm टॉर्क ये मैनुअल ट्रांसमिशन में जेनरेट करता है, जबकि ऑटोमेटिक में ये बढ़ जाता है। 500 Nm का टॉर्क आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में जेनरेट करके देगी ये इंजन। ट्रांसमिशन की बात करें तो 6-speed मैनुअल और 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको इस पिकअप ट्रक में देखने को मिलेगा। 6-speed जो मैनुअल ट्रांसमिशन होगा वो IMT फॉर्म में आएगा, मतलब इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, और 6-speed ऑटोमेटिक वो आपको टॉर्क कन्वर्टर के रूप में देखने को मिलेगा। तो इंजन ऑप्शन ट्रांसमिशन दोनों ही मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये कार 4-wheel ऑप्शन के साथ ही आएगा, कोई भी 2-wheel ड्राइव ऑप्शन नहीं मिलेगा, जो एक अच्छी बात है। जितने भी वेरिएंट्स इस कार में आपको मिलेगा वो सब 4-wheel ड्राइव ऑप्शन में ही इंडियन मार्केट में आएगी। अगर डायमेंशंस की बात करें तो इस पिकअप ट्रक की लेंथ है 5325 mm, विड्थ है 1855 mm, हाइट है 1815 mm और व्हील बेस है 3085 mm का। अगर फुल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो ह्यूज 80 लीटर का फुल टैंक कैपेसिटी आपको इसमें देखने को मिलेगा, मतलब इस कार में आपको माइलेज उतना अच्छा मिलेगा नहीं, इसलिए आपको फुल टैंक कैपेसिटी बढ़िया देखने को मिल रही है। ग्रॉस व्हीकल वेट की बात करें तो वो होगा लगभग 3 टन के करीब, 2910 kg का। अगर पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो वो होगा करीब 500 kg के बराबर, 470 kg। टायर साइज की बात करें तो नीचे का जो वेरिएंट होगा उसमें आपको 17 इंच के टायर्स देखने को मिल जाएंगे, जिसका प्रोफाइल होगा 265/65/R17, और जो ऊपर वाला टायर साइज होगा वो होगा 265/60/R18, मतलब 17 और 18 इंचेस के व्हील आपको हाइलक्स में देखने को मिलेगी। अब वेरिएंट्स की बात करें तो हाइलक्स में आपको दो वेरिएंट्स देखने को मिलेगी, स्टैंडर्ड और हाई। स्टैंडर्ड में आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा, जबकि हाई में आपको मैनुअल के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा। अब स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की बात करें जो आपको इसके बेस से लेकर टॉप मॉडल तक आप कोई सा भी वेरिएंट खरीदो मिलेगा ही मिलेगा, तो वो है टफ बिल्ट क्वालिटी। जी हाँ, आपको इसमें रगेट बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलेगी, मजबूत बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलेगी। इसके अलावा मिलेगा व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, 7 एयरबैग, मतलब फ्रंट में 2 एयरबैग मिलेगी, साइड में एयरबैग मिलेगी आपको, और कार्टन एयरबैग्स भी आपको इस कार में देखने को मिल जाएगी, सॉरी इस पिकअप ट्रक में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा मिलेगा आइसोफिक एंकर, फ्रंट सीट बेल्ट पिटन सोनास विद लोड लिमिटर, ABS, स्पीड सेंसिटिव ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर और इमरजेंसी ब्रेक सिग्नल। तो ये सभी सेफ्टी फीचर आपको स्टैंडर्ड मिलेगा हर किसी वेरिएंट में। अब स्टैंडर्ड एक्सटीरियर फीचर के बारे में बात करें जो आपको हर किसी वेरिएंट में देखने को मिलेगा, वो होगा LED फ्रंट फॉग लैंप्स। फ्रंट में आपको LED फॉग लैंप्स देखने को मिलेगी। इसके अलावा पीछे की तरफ आपको रियर में भी LED फॉग लैंप देखने को मिलेगी, क्रोम डोर हैंडल मिलेंगे, कीलेस एंट्री मिलेगी और इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी मिलेगी। ये सभी एक्सटीरियर फीचर आपको स्टैंडर्ड मिलने वाले हैं हाइलक्स के हर किसी वेरिएंट में। अब स्टैंडर्ड कॉम्फर्ट फीचर्स के बारे में बात करें जो आपको हाइलक्स के हर किसी वेरिएंट में देखने को मिल जाएगी, तो वो होगा सॉफ्ट टच अपहोल्स्ट्री इन केबिन, मतलब केबिन के अंदर आपको सॉफ्ट मटेरियल का यूज देखने को मिलेगा अपहोल्स्ट्री में। इसके अलावा मिलेगा हीट रिजेक्शन ग्लास, मतलब UV कट ग्लास आपको देखने को मिलेगा, क्रूज कंट्रोल मिलेगा, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग मिलेगा, इलेक्ट्रोक्रोमिक आयर भी मिलेगा, 8 इंच का टच स्क्रीन मिलेगा विद एंड्रॉइड एंड एप्पल सपोर्ट, इसके साथ साथ ब्लूटूथ सपोर्ट। ये फीचर मुझे उतना अच्छा लगा नहीं, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी आती है उसमें 8 इंच का टच स्क्रीन बहुत ही छोटा लगता है, कम से कम 10 से 12 इंच का होना चाहिए था, यह मेरा मानना है। इसके अलावा मिलेगा 6 स्पीकर, ऑल पावर विंडो अप एंड डाउन फंक्शन विद जैम प्रोटेक्शन,
कूल्ड अपर ग्लव बॉक्स, मतलब आपको इस कार में दो ग्लव बॉक्स देखने को मिलेगी, नीचे का होगा नॉर्मल, ऊपर का होगा कूल्ड फंक्शन के साथ। ड्राइविंग मोड्स मिलेगा इको और पावर, 60-40 स्प्लिट रियर सीट मिल जाएगा विथ टिप अप फंक्शन। इसके अलावा मिलेगा फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर विथ पार्किंग कैमरा। ये सभी स्टैंडर्ड कंफर्ट फीचर आपको हाइलक्स का हर किसी वेरिएंट में मिल जाएंगे। आप ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज के बारे में बात करें, यानी कि फीचर्स के बारे में बात करें, जो स्टैंडर्ड मिलने वाला है आपको हाइलक्स में, वो होगा डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल, एक्टिव ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक, 0.51 RAD अप्रोच एंगल और 0.46 RAD डिपार्चर एंगल, हाई एंड लो रेंज फॉर ऑफ रोडिंग और टफ बॉडी फ्रेम विथ बेंडिंग रिजिडिटी। मतलब आप इस कार से बढ़िया ऑफ रोडिंग कर सकते हो। ये पिकअप ट्रक भी है और एक 4x4 कार भी है, तो बढ़िया ऑफ रोडिंग आप इस कार से कर सकते हो, वो शिकायत आपको इस कार में नहीं मिलेगी। दोस्तों वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को डिफरेंसेस एक दूसरे वीडियो बनाकर बता दूंगा। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कलर ऑप्शन क्या क्या मिलेगा। तो टोटल 5 कलर ऑप्शन में इस कार को लॉन्च किया गया है। पहला कलर होगा इमोशनल रेड, जिस कलर ऑप्शन में कंपनी इसको प्रमोट भी कर रही है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये कलर। इसके अलावा मिलेगा व्हाइट पर्ल, सिल्वर मेटेलिक, सुपर व्हाइट और ग्रे मेटेलिक। ये 5 कलर ऑप्शन आपको हाइलक्स पिकअप ट्रक में देखने को मिल जाएगा। वारंटी की बात करें तो स्टैंडर्ड वारंटी के तौर पर आपको मिलेगा 3 साल या फिर 1,00,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी। अगर आप इसको एक्सटेंड करते हो तो ये बन जाएगा 5 साल की या फिर 1,50,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी। अब प्राइस पॉइंट के बारे में बात करें तो हाइलक्स का जो बेस मॉडल है जिसका नाम है STD मैनुअल, तो इसका प्राइस है 34 लाख रुपए एक शोरूम। अगर आप इसका टॉप मॉडल हाई को परचेस करना चाहते हो मैनुअल ट्रांसमिशन में, तो उसके लिए आप लोगों को तकरीबन 36 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा, 35,80,000 रुपए। अगर आप एकदम ऑटोमेटिक चाहते हो इस टॉप मॉडल का, तो आपको खर्च करना पड़ेगा 36,80,000 रुपए। मतलब स्टैंडर्ड से हाई मॉडल में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा 1,80,000 रुपए का, और हाई मैनुअल से हाई ऑटोमेटिक में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा 1,00,000 रुपए का। तो प्राइस डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं है, प्राइस गैप उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन कंपनी ने ये जो कार लॉन्च करी है वो बहुत ओवर प्राइस्ड है, यही मेरा कहना है। तो दोस्तों क्या कहना आपको टोयोटा हाइलक्स पिकअप ट्रक के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें। और जितने भी डिटेल्स थे मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया है, डिफरेंस वाली वीडियो आपको कल मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हो। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट आने वाले वीडियो में। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।